ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम माते श्री नमो नमः। ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम। स्वागत है ज्योतिष गुरु कुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। बात करते हैं आज का राशिफल। आज का दिन सोमवार का दिन है और आज 13 तारीख षष्ठी तिथि सोमवार का दिन 13 3 4 नेचुरली बाधक और 13 तारीख 4 वाला अंक उनके लिए, यानी जो लोग 4 13 22 और 31 जन्म हैं उनके लिए आज का दिन है। लेकिन ये डेट ये नंबर तो 4 वालों को भी बाधा बनता है और एनिमी नंबर यहाँ 4 वालों के लिए, यहाँ पर जिनका 6 15 24 में जन्म है थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लमेबल रह सकता है, बाकी ठीक ठाक। सोमवार का दिन और सोमवार जनरली जिन मिथुन के लिए घातबार बनता है इनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तिथि षष्ठी तिथि और षष्ठी वृश्चिक के लिए घात तिथि बनता है षष्ठी, इनको थोड़ा सा स्वाभाविक सावधान रहना चाहिए। मेष के लिए षष्ठी तिथि घात तिथि बनता है, इनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। वैशाख शुक्ल आज तिथि षष्ठी योग शूल करण कैलब नक्षत्र पुनर्वसु 11:24 एम तक, यानी पूर्ण रात को चेंज होने वाला है, उसके बाद पुष्या लगेगा। पक्ष शुक्ल वार सोमवार सूर्योदय 5:31 अस्त 7:03 चंद्रोदय 9:54 एम चंद्र अस्त 0019 एम राशि ऋतु ग्रीष्म कर्क राशि शक संवत 1946 कली संवत 5026 विक्रम संवत 2081 अभिजीत 11:50 से 12:44 राहुकाल 7:12 एम से 8:54 एम तक दिशाशूल पूर्व दिशा एकदम ना जाए। राशि बल वृषभ कर्क कन्या तुला मकर कुंभ में रहेगा। नक्षत्र बल भरणी रोहिणी आद्रा पुनर्वसु पुष्या अश्लेषा पूर्व फाल्गुनी हस्ता स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा पूर्वाषाढ़ा श्रवणा शतभिषा पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद रेवती में बल रहेगा। सोमवार का दिन मेष लग्न उदय अस्त में 5:31 से 6:38 तक चंद्रमा का होरा सोमवार का दिन। आज मिथुन राशि के लिए घात बार, कन्या राशि के लिए घात चंद्र, इनको थोड़ा सा सावधान। पुष्कर दोष अध्य मृत व्यक्ति एक पाद, इनको सावधान रहना अत्यंत आवश्यकता, इनको शांति करना अत्यंत आवश्यक रहेगा, इसमें कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहिए। और आज रजस चक्र कन्या व्यांध्या और शांतिकरणीय, जरूर शांति करें। मेष लग्न इन पॉइंट आ गया है तो वृष लग्न 7:27 इस समय तुला का अष्टम और मिथुन का द्वादश और इसमें होरा चलने वाला है शनि का और बृहस्पति का, टॉप एनर्जी रहेगा, अच्छा दिखाई दे रहा है, सॉलिड दिखाई देगा। मिथुन 9:39 ये वृश्चिक के लिए अष्टम, कर्क के लिए द्वादश। 9:39 तक मंगल का बृहस्पति का होरा क्रॉस करेगा, यहाँ मिसमैच एनर्जी दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा तनाव और खिंचातानी, दाहिना स्वर चलेगा, सावधान रहें। कर्क 11:53 तक इस समय सूर्य शुक्र का होरा रहेगा, नॉट गुड एनर्जी रहेगा, ब्रेकडाउन, दाहिना स्वर। ये धनु के लिए अष्टम, सिंह के लिए द्वादश, इनको सावधान। सिंह 2:02 तक रहेगा और इस 2:02 में बुध और चंद्रमा का होरा रहेगा, अच्छा रहेगा, स्मूथ रहेगा, लेकिन हड़बड़ी ज्यादा, ये जब बुध और चंद्रमा रहता है हड़बड़ी गड़बड़ी तनाव एक्स्ट्रा थिंकिंग और अनकंट्रोल एनर्जी, बाय राशि का स्वर। कन्या ये एक मकर के लिए अष्टम, कन्या के लिए द्वादश, नॉट गुड रहेगा। कन्या 4:10 तक रहेगा और इस समय 4:10 में शनि और बृहस्पति का होरा रहेगा, नॉट गुड एनर्जी, पुल रहेगा यहाँ पर, बहुत अच्छा स्मूथ नहीं रहने वाला है। तुला के लिए द्वादश और कुंभ के लिए अष्टम, तुला 6:23 तक और 6:23 में सूर्य और शुक्र का होरा रहेगा, सडन डाउन सडन अप, इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतने का बहुत आवश्यकता रहेगा। वास्तुफल आज स्वाभाविक बात है, जिनका भी गेट यहाँ E3 E4 वाले हैं उनके लिए मस्त रहेगा, मजा रहेगा। और ठीक उसका ओपोनेंट इधर जिसका W3W4 इज गुड, लेकिन यहाँ सूर्य का ऑपोजिट एनर्जी के कारण थोड़ा सा अशांति और वाद विवाद बढ़ सकता है। साउथ वालों का पिता पुत्र में वाद विवाद बढ़ सकता है।
वास्तुफल, होराफल, तिथिफल, तारीख फल, नक्षत्र। आज पुनर्वसु नक्षत्र पूर्ण भोग, और इस पुनर्वसु नक्षत्र स्वाभाविक बात है कर्क राशि का। तो ये पुनर्वसु आज साहसपूर्ण होंगे कोई काम को शुरू करने के लिए, लेकिन काम डर लगेगा, काम कर्म भीरुता रहेगा और शत्रु वृद्धि आज के डेट में हो सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा सावधानी रहना चाहिए। पुनर्वसु नक्षत्र कर्म, गाड़ी खरीदना, खेती करना, लंबा यात्रा, टूर एंड ट्रेवल्स के लिए उत्तम है, तो आज हो सकता है कुछ लोगों को इस प्रकार का मौका मिल जाए। मेष के लिए चतुर्थचंद्रमा नॉट गुड, कॉन्फिडेंस में कमी और फियर फोबिया, एनर्जी 27। वृष के लिए तृतीय चंद्रमा पराक्रम में वृद्धि, 90 का एनर्जी है, सफलता मस्त रहेगा। मिथुन के लिए द्वितीय चंद्रमा धनवाणी परिवार क्षेत्र में डाउन एनर्जी, यहाँ पर 17-18 पे जा रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा है। ये चंद्रमा यही भी याद रखना चाहिए कि ये चंद्रमा राहु के दृष्ट में रहेगा, इसमें बहुत ज्यादा होप यहाँ पर नहीं किया जा सकता। सिंह के लिए द्वादश चंद्रमा खर्चा परेशानी दे सकता है, बहुत ज्यादा यहाँ नहीं, लेकिन थोड़ा सा राहत। कन्या के लिए दोनों ही बेस्ट है, सॉलिड है, टॉप है, गुड है, 80-90 का एनर्जी चला है। तुला के लिए तो कर्म सिद्धि योग सफलता चिंता का कोई विषय नहीं, 80-90 तक जा रहा है, लेकिन बेसिक परेशानी तो चल रहा है तुला के साथ। वृश्चिक के लिए अगर बात करते हैं, अष्टम वृश्चिक के लिए यहाँ पर नवम चंद्रमा राहत भरा रहेगा, लेकिन धनु के लिए अष्टम चंद्रमा कार्य में बाधा। मकरू के लिए बात करते हैं, मस्त है, सॉलिड है, एंजॉय है, एंटरटेनमेंट है, मजा है, मस्ती है, ठीक ठाक रहेगा, लेकिन वही सर्दी खांसी थोड़ा सा स्वास्थ्य हानि दिखाई दे रहा है, उसके बाद भी एंजॉयमेंट है। कुंभ के लिए अगर बात करते हैं, षष्ठ चंद्रमा आरोग्यता सफलता, लेकिन 7.5 का पुल ज्यादा रहेगा। मीन के लिए बात करते हैं, यहाँ पर बिना देखे पढ़े कोई भी पेपर साइन ना करें, और आज का दिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी भरा रहेगा। अब बात करते हैं पुनर्वसु नक्षत्र। तो जिन अश्विनी मेष मगा सिंह मूल धनु, तो आप लोग जो लोग यहाँ पर, आपके लिए आज का दिन जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बद्ध तारा पे है, सावधान रहें। भरणी मेष पूर्व फाल्गुनी सिंह पूर्वाषाढ़ धनु, आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक तारा में कर्म सफलता है। कृतिका मेष वृष उत्तर फाल्गुनी सिंह कन्या उत्तराषाढ़ धनु मकर, आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी तारा 50% गुड। रोहिणी वृष हस्ता कन्या सर्वणा मकर, आपके जन्म संपद विपद क्षमा तारा सॉलिड है, बढ़िया है। मृगशिरा वृष मिथुन चित्रा कन्या तुला धनिष्ठा मकर कुंभ विपद तारा, सावधान रहो। आद्रा मिथुन स्वाति तुला सतभिषा कुंभ संपद तारा है, बढ़िया है। पुनर्वसु मिथुन कर्क विशाखा तुलाबसी पोहद कुमिंग जन्म तारा 70% गुण, यात्रा में परेशानी है। पुष्या कर्क कौनदासी उत्तर भाग मीन अति मित्र जोन पे, असलसा कर्क ज्येष्ठा बसी रेवती मीन मित्र जोन पे, तो औसतन ठीक ठाक यहाँ का दिन रहेगा। इसी बात को हम लोग आज मिला के देखते हैं हम लोगों का आज का कार्ड का खेल में। तो आज अगर हम देखते हैं कार्ड क्या निकलता है, 5 कालापान, और 5 कालापान मतलब उद्विग्न चंचलता, देखिए मैच कर गया। और 5 नंबर को अगर देखते हैं आज, 2 चंद्रमा मन में चंचलता का, और अप एंड डाउन एनर्जी आज रहेगा, बहुत फिक्स एनर्जी आप आज नहीं पाओगे। टारो के अनुसार यहां पर एक शब्द सबसे आ रहा है, हार्वेस्ट इज पेनफुल, यानी इतना सहजता से 4 नंबर के साथ ये कार्ड बहुत ज्यादा सफलता आज का डेट में नहीं मिल रहा है। आज का अगर ग्रह स्थिति को देखते हैं, सारा ग्रह यहाँ पर कुंभ में शनि राहु मंगल मीन में, और यहाँ पर शुक्र बुध और सूर्य और यहाँ गुरु आ चुके हैं, कामस्थ शुक्र और शुभ ग्रहों का एनर्जी डाउन है, तो बहुत ज्यादा होप नहीं कर सकते हैं। चंद्रमा से अगर आज का दिन देखते हैं, तो आज का आर्थिक स्थिति शनि दिख रहा है तो डाउन करेगा, स्वाभाविक बात है स्लो डाउन रहेगा। यहाँ पर चंद्रमा से द्वितीय स्थान पराक्रम, यहाँ पर सडन अप एंड डाउन दिखाई दे रहा है, कोई फिक्स फ्लो नहीं दिखाई दे रहा है। आज का भूमि भवन वाहन माता सुखवन मन का स्थिति सुख का, तो यहाँ निचस्त सूर्य का दृष्टि है, बहुत ज्यादा होप नहीं कर सकते हैं। और साथ में अगर आज का प्रेम प्यार का कंडीशन को देखते हैं, तो ये शुभयुक्त नहीं दिखाई दे रहा है। शिक्षा क्षेत्र में भी मन डाइवर्सन दिखाई दे रहा है। आज का दाम्पत्य जीवन नेचुरली यहाँ पर एक विच्छेदात्मक कंडीशन पे ही चल रहा है, यहाँ बहुत स्मूथ नहीं दिखाई दे रहा है। भाग्य का बात करें तो यहाँ सपोर्ट आज रहेगा, लॉक यूनिवर्सल लॉक सपोर्टिव रहेगा, नो डाउट। कर्म क्षेत्र है जी ओवरलोड ऑफ वर्क, और इतना जल्दी सफलता शुभता नहीं दिखाई दे रहा है। आज का लाभ का अगर विचार करते हैं, तो लाभ का एनर्जी अपने से व्यय में चलने के कारण बहुत ज्यादा लाभ और बहुत ज्यादा धन का स्थिति यहाँ पर ना ही टॉप है ना ही स्लो डाउन है, एक मध्यम परिस्थिति बन के है, यानी लाभ तो हो लेकिन खर्चा भी हो जाए।
तो ये था आज का राशिफल, लग्न पर, होला पर, तिथि पर, बार पर, टैरो कार्ड फल और पासा नंबर फल। धन्यवाद।